ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब खबर गुजरात से, जहां पर बारिश और बाढ़ का जबरदस्त प्रकोप देखने को मिल रहा है। अहमदाबाद से लेकर वडोदरा और कच्छ से लेकर द्वारका तक सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका वडोदरा है, जहां कई रेजिडेंशियल कंपाउंड में पानी भर चुका है। गुजरात के 18 जिलों में इस वक्त सबसे ज्यादा हालत खराब है। बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या अब यहां 32 तक पहुंच गई है। 11 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है, तो वहीं 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवे और दूसरी सड़कें ठप हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक भारी बारिश का हाई अलर्ट गुजरात में जारी किया है। राहत बचाव में सेना लगातार डटी हुई है। तो बारिश की वजह से पूरे गुजरात में सड़क से लेकर हाईवे तक जल भराव एक बड़ी समस्या बना हुआ है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। देखिए, इस वक्त मैं अहमदाबाद के वैष्णो देवी अंडरपास के ऊपर खड़ा हूं और कितनी भारी बारिश हुई है इसका अंदाजा लगाइए। मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि ये अंडरपास की स्थिति दिखाए। यहां पर अभी बीचों बीच अगर आप यहां पर इस पोल के पास आ जाए तो 5 से 7 फीट गहरा पानी है। यहां पर ये अंडरपास काफी बिजी रहता है, अहमदाबाद और आसपास के जितने शहर है उनको जोड़ता है, लेकिन फिलहाल बंद है। देखिए कितनी बड़ी ट्रक है, वो ट्रक भी यहाँ पर डूब चुकी है और ये आज का नहीं, पिछले 3 दिन से यही स्थिति है। और ये एक हाईलाइट है गुजरात के अलग अलग जगह पर, चाहे वो शहर के अंदर का जो मुख्य मार्ग हो, चाहे वो हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, अभी भी बहुत बड़ा जलभराव आपको गुजरात के अलग अलग जगह पर दिख जाएगा। अच्छी बात यह है कि सौराष्ट्र और खासकर कच्छ को छोड़कर आज कहीं पर बारिश नहीं हो रही है, तो ये एक अच्छे संकेत है। लेकिन फिर भी जलभराव की स्थिति जो की त्यों है। वडोदरा जैसे शहर में तो पानी से 5-5 डेड बॉडी भी निकल रही है, तो एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पर 4 बड़े मशीन लगाए हैं पानी निकालने के लिए। फिर भी शायद आज रात या तो कल तक अगर बारिश नहीं हुई तो पानी खत्म होगा, वरना ये स्थिति जो की त्यों बनी रहेगी। अब ईश्वर से एक ही प्रार्थना करनी होगी कि आने वाले दिनों में फिलहाल गुजरात में बारिश रोक दी जाए। चलिए अब बात सीएनबीसी